हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एचसीएफ की शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगी जिससे आप इजीली एचसीएफ को निकाल सकते हो। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो आज मैं आपको एक थोड़ी सी एग्जांपल्स बताऊंगी जिससे आप इजीली एचसीएफ को निकाल सकते हो। आपको वो लंबा वाला प्रोसीजर नहीं करना पड़ेगा जिससे आपको टाइम वेस्टेज हो या आपका पेपर रह जाए। सो मैं आपको अब एक एग्जाम्पल करवाती हूँ जिसमें हम एक पहले सिंपल एग्जांपल करेंगे, फिर देन हम थोड़े थोड़े डिफिकल्ट करेंगे जिससे आपको थोड़ा समझ आ जाए। सो मैं एक पहला एग्जांपल लेती हूँ। जैसे मेरे पास है फर्स्ट, सिक्स एंड ट्वेल्व। अब हमने इन दोनों का एचसीएफ निकालना है, तो हम क्या करेंगे, अब इसमें सिक्स और ट्वेल्व का डिफरेंस देखेंगे। सिक्स और ट्वेल्व का डिफरेंस क्या होगा हमारे पास, सिक्स। अब हम एचसीएफ का कैसे पता चलेगा वो हम देखते हैं। जब हम दोनों का डिफरेंस निकाला सिक्स, अब हम ये देखेंगे जो हमारा डिफरेंस है इन पर डिविजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा। अब सिक्स है, डिविजिबल हो रहा है, सिक्स के टेबल में ट्वेल्व भी आता है, डिविजिबल हो रहा है, तो हमारा एचसीएफ क्या आएगा, सिक्स। अब मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल करवाती हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। अब है मेरा सेकेंड एग्जाम्पल, उसमें हम ले लेते हैं सिक्स और टेन। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा हमारे पास, सॉरी इसमें ले लेते हैं सिक्सटीन। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या होएगा हमारे पास, इसका डिफरेंस होएगा हमारे पास 10। ठीक है, अगर हम देखें 10 6 पे नहीं जाता, 16 पे नहीं जाता, तो अब हम क्या करेंगे एचसीएफ निकालने के लिए, जो हमारा 10 डिफरेंस आया है हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे फर्दर। अगर हम 10 के फैक्टर्स निकालते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 2 × 5। अब हम जो फैक्टर्स निकाले हैं हम उनको कंपेयर करेंगे कि ये डिविजिबल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर हम 2 की बात करें तो 2 6 आता है, 16 आता है, तो हमारा एचसीएफ क्या होएगा, 2। दैट्स अ सिंपल एंड इजी ट्रिक जो आप यूज़ कर सकते हो। अगर हम थर्ड एग्जांपल लेते हैं उसमें और आपको एक क्लियर हो जाएगा। अब मैं लेती हूँ यहाँ पे 4, 6 and 22। अब हमने इसमें क्या करना है, पहले हम 4 और 16 का डिफरेंस देखते हैं। अगर 4 और 16 का डिफरेंस देखेंगे तो हमारे पास क्या आता है, 12। अगर 16 और 22 का डिफरेंस देखें तो हमारे पास क्या आता है, 6। अगर 4 और 22 का डिफरेंस देखें तो हमारे पास क्या आता है, 18। अब हमारे पास तीन डिफरेंस आ गए हैं, तो अब हम क्या करेंगे, सब जो सबसे छोटे वाला डिफरेंस होगा ना हम उसको लेंगे। अब सबसे छोटे वाला डिफरेंस क्या है हमारे पास, 6। अब हम 6 को इनसे कंपेयर करके देखेंगे कि डिविजिबल हो रहा है या नहीं। अगर हम 6 को देखें तो ये देखें तो डिविजिबल बिल्कुल नहीं हो रहा, 22 भी नहीं आता, 16 भी नहीं आता और 4 भी नहीं आता। तो अब हम क्या करेंगे, अभी हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे। अब इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, 2 × 3। तो ईजिली आपको पता चल रहा है कि इसका एचसीएफ क्या होगा, ऑब्वियस है 2 होगा, क्योंकि 4 भी आता है, 16 भी आता है और 22 भी आता है, तो हमारा एचसीएफ क्या होगा, 2। आई होप आपको ये ट्रिक समझ आ गया हो। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कमेंट, ताकि मैं आपको आगे बता सकूँ।